हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी ने आउट कर दिया है। आपकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हो, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने आपको बोला भी था कि आपकी जो ये सेकेंड राउंड है ना काउंसलिंग का, ये बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हो कि आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल है वो आउट हो गया है। इसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और चॉइस फिलिंग जो है आपकी वो 12 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली है। ठीक है, आपको अराउंड 6 डेज का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो आपके डेटा प्रोसेसिंग है वो 19 और 20 अक्टूबर को होगी। वहीं पे जो रिजल्ट है आपका वो 21 अक्टूबर को फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा है। और 26 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है कॉलेज को ज्वाइन करने की, जो आपको अलॉटेड कॉलेज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ आपके एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए भी है? तो देखो, यहाँ पे लिखा है, क्लियरली मेंशन करा गया है, फॉर ऑल स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा सीट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग की मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा की सीट्स। वही फॉर ऑल स्टेट कोटा सीट्स ऑफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी पैरामेडिकल, एमएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। यानी कि जो अब आपका सेकेंड राउंड है उसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग का हो रहा है, फिर सिर्फ पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का हो रहा है। नहीं, अब आपकी जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड की वो सबकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपके बीएससी नर्सिंग भी, आपके पैरामेडिकल कोर्सेज भी, एएनएम जीएनएम भी, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग, सबकी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग 12 से स्टार्ट है और 18 को लास्ट डेट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डिफिकल्टी होती है अपने चॉइस फिलिंग करने में, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सेट करने में, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और एक चीज और, इंस्टाग्राम पे हाय हेलो गुड इवनिंग से अच्छा है कि आप सीधे सीधे अपना क्वेरी पूछो। ठीक है, सीधे टाइप करो जो आपकी क्वेरी है, वो ज्यादा ईजी होगा, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा था और उनको बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले, जैसे आपका हल्द्वानी है, आपका देहरादून है, आपके बीएससी पैरामेडिकल में आपका ऋषिकेश है, और बहुत सारे आपके वीएसजीएस, बहुत सारे कॉलेज जो अच्छे अच्छे हैं वो उनको मिले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको लगता हो कि इस चैनल पे जो कंटेंट है वो आपकी हेल्प करता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।